बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने YouTube से ही उठाना है और YouTube पर ही लगाकर आपने जेब में पैसे डाल लेने हैं। तरीका बहुत आसान है, बच्चों वाला काम है, कोई बच्चा जो है छोटा वो भी कर सकता है। बस मेहनत तो हर काम में होती है, मेहनत के बगैर जो फल है वो कहीं से भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि जितनी भी फायदेमंद बातें हों वो आप तक पहुंच सकें और आप उनसे मुस्तफीद हो सकें। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक जो ऐसा कि आपने देख लिया होगा और शुरू में मैंने बता भी दिया है कि आपने YouTube से ही उठाना है, YouTube पर ही लगाना है और लाखों रुपए अपनी जेब में डाल लेने हैं। YouTube इसकी खुद इजाजत दे रहा है, ये कोई फेक काम नहीं है और इससे पहले शायद ही कहीं आपकी नजर से किसी यूट्यूबर की जबान से ऐसा या यूट्यूबर की वीडियो से ऐसे अल्फाज आपको मिले हों कि YouTube से इस तरह आसानी से आपने उठाकर YouTube पर ही लगा देना है और अपनी जेब में पैसे डालते जाना है। नहायत आसान काम है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको मेहनत करनी है। हर वीडियो के शुरू में मैं आपके लिए एक सेगमेंट रखता हूं कि लास्ट वीडियो में जितने भी दोस्तों ने कमेंट किए होते हैं उनको कमेंट पिकर के थ्रू, YouTube कमेंट पिकर के थ्रू मैं पिक करता हूं और यहां पर डिस्प्ले करता हूं उनके चैनल का नाम, ताकि एक तो उनकी जो है फॉलोअर्स बढ़ेंगे, उनके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, दूसरी उनको फ्री में प्रमोशन मिलेगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी इसी तरह नाम यहां पर आ जाए, जिस तरह के इन भाई का नाम आ रहा है, ये पिछली वीडियो के हमारे विनर हैं, तो आपसे भी गुजारिश है कि वीडियो के नीचे लाजमी पॉजिटिव और बड़ा हौसला अफजा कमेंट करें ताकि आपका नाम भी अगली दफा यहां पर आ सकता है और फ्री में आपको प्रमोशन मिल सकती है। अगर आप अपने चैनल को ऑनलाइन चेक कराना चाहते हैं सारी उसकी कैटेगरीज, तो यहां नीचे एक व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप कॉन्टेक्ट करके मुझसे अपना ऑनलाइन जो है अपना यूट्यूब चैनल जो है वो चेक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आप चलते हैं वीडियो के सेगमेंट की तरफ। बस आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि आने वाले दिनों में मेरी तमाम वीडियो आप तक बिलातातुल पहुंचती रहें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो फिर इस वीडियो को शेयर जो है और लाइक करना आपका बनता है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा कि कैसे आपने यूट्यूब की वीडियो को उठाना है, किस तरह आपने लगाना है और फिर किस तरह उसकी अर्निंग करनी है, उसकी सेटिंग करनी है, सारे का सारा तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जी, तो मैं पहुंच चुका हूं मोबाइल की स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब से आपने उठाना है, यूट्यूब पर ही लगाना है, तो आपने अपने मोबाइल से यूट्यूब को ओपन कर लेना है। जैसे कि ये मैं ओपन करता हूं और ये नीचे आपको नज़र आ रहा है शॉर्ट्स, इस पर आपने क्लिक करना है शॉर्ट्स पे और ये आपके पास शॉर्ट्स आ गए। जैसे ये काशिम मजीद साहब की शॉर्ट है। अब आपने यहाँ पर एक काम करना है कि काम वो क्या करना है आपने कि आपने कोई एक टॉपिक चूज़ करना है, कोशिश कीजिएगा कि उसी पर आपकी शॉर्ट्स बने। ऐसा ना हो कि कभी कोई शॉर्ट आप बना रहे हैं तो कभी कोई बना रहे हैं, तो कोई एक किस्म की जैसे कि मजहबी पहलू पर आपने को बनानी है, कुरान करीम की तिलावत पर बनानी है आपने शॉर्ट, आपने टेक के हवाले से कुछ शॉर्ट बनानी है, कुछ सीनरी के हवाले से बनानी है, कुछ भी करना है आपने, कोशिश करनी है कि एक ही टॉपिक को है वो चूज़ कर लें। जैसे कि ये काशिफ साहब की वीडियो है, इसको ये चल रही है, तो यहाँ पर रीमिक्स का आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, यूज़ दिस साउंड है, कोलैब है, ग्रीन स्क्रीन है, कट दिस वीडियो है। तो चूँकि हमारे आज के टॉपिक के हवाले से हमने जाना है ग्रीन स्क्रीन पर, ये ग्रीन स्क्रीन पर हम जाएंगे, ये काम हो रहा है, ठीक है, इसको हम डन करेंगे, ये प्रोसेसिंग शुरू है, थोड़ा सा टाइम लेगा। बहुत आसान और शार्ट सा काम है, अगर आप सीखने वाले हों, करने वाले हों। ये रीमिक्स पे गए, ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक किया, डन पे क्लिक किया, प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेगी। पीछे शोर आ रहा होगा जी, वो मेरे घर में थोड़ा सा काम हो रहा है, जिसकी माजरत। अब ये देखें आप, ये डन हो गया, मुकम्मल हो गया, ये मेरी तस्वीर आ गई है। अब इसको करना क्या है कि दोनों उंगलियों से पकड़कर इसको छोटा कर लेना, ये देखें आप, ये छोटा हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर हमने रखना नहीं है इसको, किसी कॉर्नर पर रखेंगे जहाँ पर ये सूटेबल लगे और ख़ूबसूरत भी लगे। ये हो गया, अब यहाँ से हमने करना है वीडियो चला देने, ये वीडियो चल गई रेड निशान पर लगा के, ये काशिम मजीद साहब बोल रहे हैं, तो इस पर कोई भी मैंने रिएक्शन देना है कि जैसे ये कहते हैं कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ, इस तरह की सारी बातें करके, ये सारा जब रिएक्शन हो जाए तो उसके बाद इस वीडियो को जब ये मुकम्मल हो जाए तो फिर हमने इस वीडियो को क्लिक कर देना है। ये ऑटो पर चली गई है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये सारी वीडियो जो है वो मुकम्मल
ये देखिए ये यहाँ पर मुकम्मल होकर आ गई। यहाँ पे नेक्स्ट मैंने करना है, इसकी ऐड डिटेल देनी है उसके लिए। ये देखें ये ऐड डिटेल आ गई। यहाँ पे कैप्शन हमने जो देना है यानी कि थंबनेल जिसको बोलते हैं, उसके लिए हम देख लेंगे कि कौन सी हमें तस्वीर जो है वो बेहतर लगती है। ये देखें ये मुझे बेहतर लग रही है, तो इसको डन कर देंगे। और डन करने के बाद यहाँ पर इसका टाइटल देंगे, क्या आपके साथ, मैंने लिख दिया कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ। और नीचे आप इसके हैशटैग दे देंगे, ये देखें काशिफ मजीद ऑफिशियल, मैक्स काशिफ मजीद, ऑटोमोबाइल, मोटिवेशनल, ये सारे के सारे हैशटैग दे दूंगा। ठीक है, अब लोकेशन यहाँ पर जो है वो बड़ा ज़रूरी है, लोकेशन डालना। तो यहाँ पर आप पाकिस्तान भी कर सकते हैं, मैं अपनी वीडियो में एशिया लिखता हूँ जी। ठीक है, और रिलेटेड वीडियो का मतलब ये है कि आपकी वीडियो ये ख़त्म होने के बाद फौरन बाद अगर आप किसी और वीडियो को शार्ट को लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके उस वीडियो का लिंक डाल दें तो आपकी वो चल जाएगी। नेक्स्ट इस वीडियो ख़त्म होने के बाद फौरी बाद वो वीडियो चल जाएगी। आप यहाँ पर विजिबिलिटी जो है वो आपने अनलिस्टेड रखनी है उस वक्त तक जब तक कि आपकी वीडियो मुकम्मल अपलोड नहीं हो जाती। इसको मैं अपलोड पर क्लिक करूँगा, अपलोड शार्ट पर, ये सी वीडियो पे करते हैं तो देखते हैं क्या इसकी रूटीन बनती है। ये देखें अपलोडिंग हो रही है, ये देखें ये रेडी टू वॉच आ गया। अब ये मुकम्मल हो जाए काम, फिर आपने इसको करना है बंद। और अब आपने 15 से 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद आपने YT स्टूडियो में जाना है, जो YouTube स्टूडियो है उसमें जाना है, कॉन्टेंट में आना है आपने, और यहाँ ऊपर से वीडियोज़ के साथ जो शॉर्ट्स है उस पर आपने क्लिक करना है। शॉर्ट्स पर क्लिक करेंगे, ये पहली वीडियो जिस को मैंने अभी बनाया था इस पर क्लिक करना है। इसके ये पेन का निशान नज़र आपको आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ से ऐड डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें, कोई भी ऐड डिस्क्रिप्शन की मेरी वीडियो किसकी मुतल्लिक है ये सारा आपको पता ही है कैसे डिस्क्रिप्शन देते हैं। और यहाँ पर विजिबिलिटी जो है वो पब्लिक करके आपने सेव कर देना है, और यूँ आपकी वीडियो जो है वो पब्लिक हो जाएगी। ये तो एक वीडियो है, इसके अलावा भी अगर आपको करना चाहें तो तरीका कार वही है जैसे ये शॉर्ट्स में, ये वीडियो है इस पर आप रिएक्शन देना चाहें तो ये ग्रीन स्क्रीन पे जाते हैं। मैं आपको ये सिखाने के लिए कह रहा हूँ जी, सिर्फ ये डन पे क्लिक करते हैं, प्रोसेसिंग हो रही है। तरीका कार वही है सारे का सारा, ये प्रोसेसिंग मुकम्मल हो जाएगी। तो अब आपने देखना है कि ये मेरी तस्वीर आ गई। इस तस्वीर को उसी तरह दो हाथों की उंगलियों से छोटा कर लेना है और किसी भी नुकर पर रख देना है, और इस पर आप अपने रिएक्शन देना है जो आपका चाहे दहेज से जो आ रहा है बंदा, ओ तेरी ये देखो गिर गया बंदा, और जब ऊपर जा रहा है बंदा इसको देखें ज़रा ये क्या कर रहा है, ये देखिए इतना ऊंचा चला गया है, अब ये नीचे उतर आया है, इस तरह का आपने जो है वो सारा रिएक्शन देना है ताकि आपकी वीडियो जो है वो भी जल्द जो है वो वायरल हो। ये मैंने रिएक्शन दिया था तो ये सारा आ गया। इसको नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट वही प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपने थंबनेल उसका कैसे बनाना है, किस तरह करना है, ये सारे का सारा एक तरीका है मुख्तसर सा जो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों मेहनत आप करें, अल्लाह ताला आपको मेहनत का ज़रूर सिला देगा जी। तो नाजरीन कैसी लगी आपको ये वीडियो? दोस्तों इस गर्मी के मौसम में मेरे चेहरे से आयां होगा पसीना, आपके लिए वीडियो बनाना इंतहाई मुश्किल है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको सिखाने के लिए, तो आपका काम भी है कि सीखें आगे बढ़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्निंग कर सकें। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, अगर आप मुलाजमत की तरफ के जाएंगे कि हमें मुलाजमत मिलेगी तो वो बिलास बेसूद है। अब उसमें आपको मुलाजमतें जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत कम मिलेगी। अपने घर में बैठे डॉलर कमाएं, यूरो कमाएं, पौंड कमाएं, रियाल कमाएं, जो कमा सकते हैं अपने घर में बैठ के काम करें। अल्लाह ताला आपका हमी और नासिर हो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक लिए मुझे इजाज़त दें। इजाज़त से पहले हमेशा एक ही गुजारिश आप सबसे होती है और वो ये है कि यार नमाज को अव्वल वक्त में मसाजिद में बाजमात अदा करें और ख्वातीन घरों में अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।